सीरियल अनुपमा की कहानी में अब वनराज ने अनुपमा के हाथ में अनुज के हाथ को देकर अनुज को जीवन साथी चुनने की बात कह दी है। अब ऐसे में इस सीरियल की कहानी में आपको फाइनली अनुज और अनुपमा कपल बनते दिखने वाले हैं। तो सीरियल में इन सारी चीज़ों में आपको क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा और कैसे कैसे देखने को मिलेगा उसी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सीरियल की रिसेंट स्टोरी लाइन में देखेंगे कि अनुज के होश में आ जाने के बाद अनुज देखेगा कि अनुपमा उसकी कितनी केयर कर रही है। साथ ही डॉक्टर भी अनुज को ये बताएंगे कि अनुपमा उसकी बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। जिसके बाद आप सीरियल की कहानी में देखेंगे कि अनुज को हॉस्पिटल से घर ले जाया जाएगा, जहां घर में भी अनुपमा ही अनुज की केयर करती दिखेंगी। वहीं अब अनुपमा अपने फैसले को अनुज को सुनाती नजर आएगी, साथ ही घर वालों को भी ये बताती नजर आएगी कि वो अनुज को अपना जीवन साथी चुनना चाहती है और वो अनुज से शादी करना चाहती है। जिसके बाद घर के कुछ सदस्य पारितोष और पाखी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि अनुपमा और अनुज की शादी होने वाली है और पारितोष अनुज पर गुस्सा करता हुआ भी देखने को मिलेगा। लेकिन सीरियल में फाइनली दर्शकों का इंतजार खत्म होगा और सीरियल में आपको फाइनली अनुपमा और अनुज की शादी देखने को मिलेगी और यहीं से इस सीरियल की कहानी में अनुपमा की लाइफ की नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। आप सीरियल में अनुपमा और अनुज की शादी के बाद क्या देखना चाहेंगे कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह टीवी सीरियल अनुपमा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।